का ही टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब लास्ट क्लास में जब एरे की वर्किंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी, तब मैंने यहाँ पे आपको ये कहा था कि जावास्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट करने के हमारे पास में दो तरीके। सबसे पहला जो तरीका है वो होता है हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके जब भी हम एरे को क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं डायरेक्टली डिक्लेरेशन के साथ साथ, या फिर हम इंडेक्स बाय इंडेक्स असाइनमेंट भी करवा सकते हैं। तो एक साथ भी प्रिंट हो सकता है और लूप चला के भी प्रिंट हो सकता है। तो पहला तरीका था वो हमारा। सेकेंड तरीका जो है हमारा एरे को क्रिएट करने का वो है यूजिंग द एरे कंस्ट्रक्टर। आप सब ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसको यूज कर कर हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाने का काम करते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमारे पास में एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर गिवन है एरे नाम का, जिसको यूज कर कर हम एरे को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। एरे को कितने साइज का डिक्लेयर करना है वो भी स्पेसिफाई किया जा सकता है और उसे इनिशियलाइज भी करवाया जा सकता है। अब सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, एचटीएमएल हेड बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है और स्क्रिप्ट टैग को भी मैंने ओपन कर दिया है। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्यू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है वैर कीवर्ड को यूज करके। अब कंस्ट्रक्टर्स को जब भी हमें यहाँ पे काम में लेना है तो हमें यहाँ पे न्यू फॉलोड बाय हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम मेंशन करना है, कंस्ट्रक्ट का नाम मेंशन करना है, दैट इज एरे। अब अगेन प्री डिफाइंड है, ए कैपिटल में आएगा, बाकी सारी चीजें स्मॉल है। अब कंस्ट्रक्टर है एक तरीके का मेथड है, तो पैरेंथेसिस आएंगे और पैरेंथेसिस के केस में हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी एक वैल्यू। अगर हमने यहाँ पर एक सिंगल इंटीजर वैल्यू पास करी है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एरे का साइज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सब लोगों ने सी के अंदर एरे को डिक्लेयर करना देखा था। हम क्या करते थे, हमारा डेटा टाइप लिखते थे, एरे का नाम लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज लिखते थे और फिर हम एंड में जाके उस इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ वैल्यू असाइन करवानी है तो वो। तो यहाँ पर भी सिमिलर टाइप की वर्किंग हमें इम्प्लीमेंट करवानी है। एरे को साइज स्पेसिफाई करके क्रिएट करना, स्क्वायर ब्रैकेट में तो साइज हम नहीं दे सकते, तो अगर साइज को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो एरे कंस्ट्रक्टर को ही काम में लेना पड़ेगा। अब ये जो मेरा स्टेटमेंट है इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि क्यू नाम का एक एरे मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर हम तीन एलिमेंट्स स्टोर करवा सकते हैं, 0, 1 और 2 इंडेक्स पे। अब यहाँ पर जो मुझे एरे क्रिएट करना है उसमें डेटा भी मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया है फॉर लूप वेर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्यू डॉट लेंथ जो कि हमारे केस में 3 है। अब यहाँ पे क्योंकि साइज हम खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हो, लेस देन 3 या फिर लेस देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। अगर हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके काम करवा रहे होते कि यहाँ पे साइज भी यूजर से ही इनपुट लेना, तो फिर उस केस में हमें लेंथ पता नहीं है, तो वहां पर क्यू डॉट लेंथ प्रॉपर्टी को हम काम में लेंगे और एंड में आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे एरे के हर एक इंडेक्स पे वैल्यू असाइन करवानी है तो क्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किस इंडेक्स पे हमें वैल्यू असाइन करवानी, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। अब यहाँ पर जो एरे मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मुझे क्रिएट करना है एक न्यूमेरिक टाइप का एरे, या फिर ऐसा कहूँ कि मुझे एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करना है। इनपुट लेने के लिए एक ही बॉक्स है हमारे पास में, प्रॉम्प्ट बॉक्स, तो प्रॉम्प्ट एंटर एंड इंटीजर। जो भी डेटा यूजर टाइप करेगा पार्सेंट की हेल्प से उसे मैंने इंट में कन्वर्ट करवाया और फिर एरे के हर एक इंडेक्स पे स्टोर करवाया। तो सबसे पहले जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू 0 है तो क्यू ऑफ 0 पे वैल्यू आके स्टोर होगी, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 1, 1 अभी भी लेस देन है 3 से, कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू असाइन होगा, फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू बिकम्स 2, 2 भी 3 से लेस देन है तो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू असाइन होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3, अब 3 3 से छोटा नहीं है तो हमारे लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, डेटा इन क्यू इज विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पर मुझे एरे के जो एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाने हैं वो एक साथ डिस्प्ले नहीं करवाने, मुझे यहाँ पे लूप चला के एक एक एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है। अब कल ही यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था जहाँ पर हमने लिस्ट को क्रिएट करके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाया, तो कल जो लिस्ट हमने क्रिएट करी थी वो थी अनऑर्डर्ड टाइप की जहाँ पे बुलेट्स आए थे और डेटा प्रिंट हो गया था, फॉर लूप की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके की वर्किंग मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बस डिफरेंस इतना सा है कि मैं यहाँ पर अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ।
ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब सीक्वेंस वाइज होगा, हमारे पास में एबीसी आएगा, 1 2 3 आएगा, या फिर रोमन में 1 2 3 आएगा। तो यहाँ पर अगर लिस्ट को क्रिएट करना है तो दो टैग्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर, ओएल टैग और यूएल टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है तो हम ओएल टैग को काम में लेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने ओएल टैग को स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली लूप चलाया है, एक एक एरे एलिमेंट को प्रिंट करवाया है। तो फॉर वैर आई इज इक्वल्स टू 0, I less than q dot length and I plus plus document dot write। अब लिस्ट को तो हमने स्टार्ट कर दिया है प्रॉपर इंडेंटेड फॉर्मेट में, स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग में डेटा आएगा हमारे पास में, लेकिन हर एक एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने के लिए हमें li टैग को काम में लेना पड़ता है। तो इस document dot write के अंदर मैंने li टैग को स्टार्ट किया है, जिससे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है q of i के साथ में। तो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास में प्रिंट हो जाएगी। फिर i का इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए लूप चलेगा, तो फिर से एक li यानी कि एक बुलेट एलिमेंट क्रिएट होगा और फिर ये इंडेक्स प्रेजेंट वैल्यू वहां पे जाके प्रिंट हो जाएगी। फिर से एक और बार इंक्रीमेंट होगा, फिर से li टैग क्रिएट होगा और एलिमेंट हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगा। और एंड में जाके मैंने इस ओवल टैग को क्लोज कर दिया है। तो साइज स्पेसिफाई करके, यूजर से इनपुट लेके कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं, वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, सबसे मुझसे इनपुट मांगा गया है, तो मैं यहाँ पे 10 इनपुट कर रही हूँ, फिर 20 इनपुट कर रही हूँ और फिर 30 इनपुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज आया है मेरे पास में, डेटा इन क्यूएस, और उसके बाद मैंने ओएल यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट किया था। अब ओएल का हर एक लिस्ट का, चाहे ओएल हो या यूएल हो, उसका कुछ बाय डिफॉल्ट होता है वैल्यू। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड के केस में तो हमारे पास में राउंड शेप की बुलेट आती है और ऑर्डर्ड के केस में न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये मेरे एलिमेंट्स आपके डिस्प्ले हो गए। अब इसे अगर आपको चेंज करना है, जो नंबरिंग है इसकी जगह आपको एबीसी डिस्प्ले करवाना है या रोमन में डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो फिर आप ओएल टैग के एट्रीब्यूट्स को काम में ले सकते हो। फॉर्मेटिंग आप किसी भी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करी और एक एक एरे एलिमेंट को डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हमारे पास में सेकेंड तरीका है एरे को क्रिएट करने का, यूजिंग एरे कंस्ट्रक्ट। अब इतने पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? Alright, moving on to the next part of the program. अब देखिए, यहाँ पर same working है, मैं जो construct है उसी को ही काम में ले रही हूँ array create करने के लिए, बस situation जो है वो थोड़ी सी अलग है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम कंस्ट्रक्ट को काम में लेते हैं तो हमें वहां पे एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी पड़ती है। वो न्यूमेरिक वैल्यू ये बताता है कि हमें कितने एलिमेंट्स का array क्रिएट करना है, कितने साइज का array क्रिएट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू के बजाय मल्टीपल वैल्यूज पास कर दूं तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो वही मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है प्रोग्राम का। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे m नाम का एक एरे क्रिएट किया है, न्यू एरे 7, 11, 2, 6, 4। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने m नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स असाइन करवा दिए हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू पास करती हूँ तो ये कंस्ट्रक्ट ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि आपको 3 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करते हो तो एरे कंस्ट्रक्ट ये अज्यूम करता है कि आप एरे को इनिशियलाइज करवाने का काम कर रहे हैं। तो डजंट मैटर आपने 2 वैल्यू पास करी है या 20 वैल्यू पास करी है, अगर यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी तो वो एरे को इनिशियलाइज कर देगा, और अगर एक सिंगल वैल्यू आएगी तो फिर वो क्या करेगा, एरे का साइज यानी कि सिर्फ एरे को डिक्लेयर करने का काम करेगा कि 3 एलिमेंट्स अब हमारे पास में फ्यूचर में आ सकते हैं। अब यूजुअली होता क्या है, सी के अंदर हम क्या करते हैं, सी के अंदर हम कुछ इस तरीके की वर्किंग कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दिया और फिर यहाँ पे कॉमा लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो इंडेक्स पे 7 जाके स्टोर हो जाएगा और आगे कुछ और वैल्यू आ सकती है। कॉमा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है मतलब यहाँ पे 7 इंडेक्सेस बनेंगे 0 से लेके 6 तक। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दी है मतलब एरे का इनिशियलाइजेशन होगा। तो एरे डिक्लेयर भी हुआ है और इनिशियलाइज भी हो चुका है।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेटा इन एमएस। अब मुझे यहाँ पे आरए को डिस्प्ले करवाना है। हालांकि अब सब लोगों ने किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर ईच लूप पढ़ रखा है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास में फॉर ईच लूप होता है। तो कल जब मैंने आपको लूप्स की लिस्ट बताई थी तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ लूप मैंने आपको बताया था, जिसमें से वाइल, डू वाइल और फॉर, फर्स्ट 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी, दैट इज फॉर ईच लूप की वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर ईच लूप यहाँ पे हम कब काम में लेते हैं, जब हमें एरे को स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रैवर्स करना। अगर मुझे एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करके उसमें मैनिपुलेशन भी करवाना है तो हम इस फॉर ईच लूप को काम में नहीं लेते हैं। अगर हमें स्टार्ट से लेके एंड तक सिंपल ट्रैवर्सिंग करनी है तो हम इस फॉर ईच लूप को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर ईच लूप को फॉर ऑफ लूप भी कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आए कि फॉर ऑफ, फॉर और फॉर इन के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे आपको सिंटेक्स वाइज ही एक्सप्लेन करना है। तो फॉर ऑफ जिसे हम एरे के साथ में काम में लें। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हमें फॉर लिखना है और पैरेंथेसिस के अंदर आएंगे हमारे दो वेरिएबल्स। एक तो होता है हमारा काउंटर वेरिएबल, एरे पे हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं तो एक एक करके इंडेक्स पे शिफ्ट तो करेंगे, तो यहाँ पे वैल जो है वो है मेरा काउंटर वेरिएबल और एम जो है वो है मेरा एरे जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट में क्रिएट किया है, और बीच में आता है हमारे पास में ऑफ कीवर्ड। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले जो ये हमारे पास में वैल वेरिएबल है ये क्या करेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, या फिर ये कहना चाहिए कि m के अंदर मैंने जितनी भी वैल्यूज स्टोर करवाई है एक एक करके वो सारी वैल्यूज इस वैल नाम के वेरिएबल के अंदर आके स्टोर होती रहेंगी और यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो इनबिल्ट है तो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब सिंपली जब एक एक वैल्यू इस वैल के अंदर आ रही है और हमें जो तो सिर्फ प्रिंटिंग ही करवाना है, तो डॉक्यूमेंट और प्रिंट की हेल्प से मैंने वैल को प्रिंट करवाया है जिसे मैंने br टैग से कंबाइन करवा दिया। तो सबसे पहले जब हमारा लूप चलेगा तो m के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू है दैट इज 7 वो इस वैल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी और फिर मैंने उस 7 को प्रिंट करवा दिया। अब इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक है तो m जो है अब वो नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करने लगेगा, तो यानी कि जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज 11 वो वैल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस बाकी 3 एलिमेंट्स के साथ में भी है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा और एक एक एलिमेंट वैल के अंदर आके स्टोर होते रहेंगे जिसे हमने प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे एरे के क्रिएशन से रिलेटेड उसको प्रिंट करवाने के भी हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्टली एरे को भी प्रिंट करवा सकते हैं सिंपल एरे वेरिएबल का नाम लिख के, सिंपल फॉर लूप से भी प्रिंटिंग हो सकती है और फॉर ईच को भी हम काम में ले सकते। तो डिक्लेरेशन और प्रिंटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम या जो आपको याद रहे आप उसमें से कोई भी वर्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इतना पार्ट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले सिंपली एक मैसेज है डेटा इन एमएस और फिर एक एक करके सारे एलिमेंट्स को मैंने प्रिंट करवाया है और क्योंकि br टैग दिया था तो हर आउटपुट आया है नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हम एरे कंस्ट्रक्ट को काम में लेते हैं एरे को क्रिएट करने के लिए। अब पूरे एग्जाम्पल में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर ये वाला पार्ट? ऑलराइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी हमारे पास में एरे का ही है। अब कल जब मैं एरे का एग्जांपल कवर करवा रही थी तो आप में से किसी एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि हम एरे जब क्रिएट कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे डायनामिक चीजें काम करती हैं, जिस तरीके का डेटा हम असाइन करवाते हैं उसी तरीके का हमारा वेरिएबल बन जाता है, तो क्या हम अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप चाहो तो एरे के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, लेकिन ये एरे का नेचर नहीं होता है। एरे का मतलब ये होता है कि हम सिमिलर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। आप चाहो तो अलग अलग टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली हम ऐसा करते नहीं है। तो अब कैसे अलग अलग वैल्यू स्टोर करवाते हैं, मैंने उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट किया है। देखिए एरे को क्रिएट करना है तो आप कंस्ट्रक्ट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को काम में लिया है। arr नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वैल कीवर्ड की हेल्प से और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज दी 10, true, sky, 7.5। तो ये इंटीजर वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यू है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है। अलग अलग टाइप की वैल्यूज को यूज करके मैंने एक एरे यहाँ पे क्रिएट किया है।
डॉक्यूमेंट डॉट टाइप की हेल्प से सिंपली एक मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाया है डेटा इन एरेज और फिर लूप चला के एरे को प्रिंट करवाया. तो फॉर वेर आई इज इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस. तो एरे की जो लेंथ है हमारे पास में दैट इज फोर. लेस देन फोर मतलब जीरो वन टू और थ्री इंडेक्स के लिए हमारा काम होने वाला है. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए आर आर ऑफ आई पहले जीरो इंडेक्स फिर फर्स्ट इंडेक्स फिर सेकेंड इंडेक्स और फिर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास में प्रिंट होगी. इसका भी आउटपुट अगर हम देखें तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स हमारे पास में आने वाले हैं और ये मैसेज जो हमने डिस्प्ले करवाया. तो यहाँ पर एरे हम चाहें तो अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं. अब ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी चीजें डायनामिकली काम करती है. वेरिएबल्स डायनामिक है. जब आप वैल्यू असाइन करोगे तब वेरिएबल का टाइप डिफाइंड होगा. यहाँ पे पहले से चीजें फिक्स हम नहीं करते हैं सी सी प्लस प्लस या जावा की तरह. तो इसी वजह से हम एरे के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. इस एग्जांपल के अंदर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम Alright, moving on with the next example then. अब next example जो है हमारा वो है multi-dimensional array का. अब we all know multi-dimensional arrays मतलब हम array of arrays create करने वाले हैं जो 2D, 3D या 4D भी हो सकता है. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2-dimensional array तक का ही part cover करने वाले हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले जो 2-dimensional array मैंने create किया है वो है array construct को use करके. चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके भी हो सकता है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में कवर करेंगे. अभी के लिए सिर्फ एरे कंस्ट्रक्ट को ही काम लेंगे. तो देखिए यहाँ पर जब भी हम टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, एक हमारा मेन एरे होता है और उस मेन एरे पे जो हमारे पास में इंडेक्सेस होते हैं उन इंडेक्सेस पर हम दोबारा से एरे को स्टोर करते हैं, यानी कि सब एरेज को स्टोर करते हैं. तो उस तरीके की वर्किंग अगर हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी हो तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने q नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि एरे टाइप का है, न्यू एरे और थ्री. अब यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया, अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो मतलब क्या है, ये हमारे एरे का साइज है. तो q नाम का एरे जो मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो अपने अंदर तीन एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है. वो एलिमेंट्स क्या है हमें नहीं पता, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या फिर खुद एरे भी हो सकता है, पर तीन एलिमेंट्स आएंगे ये फिक्स. अब यहाँ पे मैंने एक एक करके इस एरे के इंडेक्स को एक्सेस किया है और डेटा को असाइन करवाया. इंडेक्स बाय इंडेक्स हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं, हमने एग्जांपल में कवर किया था पहले. तो सबसे पहले मैंने इस क्यू एरे के जीरो इंडेक्स को एक्सेस किया है और यहाँ पे इस एरे को इनिशियलाइज करवा दिया है क्रिएट करने के बाद. तो न्यू एरे 4, 5, 7. तो यहाँ पे अगर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है मतलब हम एरे को डिक्लेयर करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं. तो इस क्यूब के जीरो इंडेक्स पर मैंने फिर से एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स स्टोर है. सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्यूब के फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस किया है, फिर से एक एरे क्रिएट किया है और तीन एलिमेंट्स असाइन करवाए हैं, न्यू एरे 6, 9, 8. सेम गोज फॉर द सेकेंड इंडेक्स एज वेल, क्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू न्यू एरे 4, 9, 7. अब यहाँ पर C के अंदर हमारे पास में ये रूल होता है कि अगर हम टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए. हर रो का कॉलम नंबर अलग नहीं हो सकता, ठीक है, ये C के अंदर रूल होता है. लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई रूल नहीं. अगर आप चाहो तो आप हर रो के अंदर या हर इंडेक्स पे अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो. अलग अलग एलिमेंट्स का मतलब उनका टाइप भी अलग हो सकता है और उनका काउंट भी अलग हो सकता है. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स पर चार एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने 5 एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए और सेकेंड इंडेक्स पे मैंने 3 ही रहने दिया. तो ये जो कंसेप्ट होता है हमारा ये कहलाता है जैग्ड एरे, जैसे कि आपने जावा के अंदर कवर किया है तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है. अगर हम चाहें तो कॉलम के जो वैल्यूज है उनमें अलग अलग टाइप भी हो सकता है और उनका काउंट भी डिफरेंस हो सकता है. लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने 3x3 का मैट्रिक्स ही क्रिएट किया है. तीन मेरे पास में अलग अलग इंडेक्सेस हैं जिन पे फर्दर तीन तीन एलिमेंट्स मैंने स्टोर करवाए. अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है डेटा इन क्यू इज फॉलोड बाई बी आर टैग.
अब मुझे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले मुझे पता लगाना है इस क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तीन एलिमेंट्स है मेरे पास में, तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली थ्री भी लिख सकती हूँ, लेकिन बेस्ट तरीका होता है लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करना। ऑटोमेटिकली टोटल काउंट हमें कैलकुलेट करके दे देता है। तो फॉर वेर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन क्यू डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब हर एक इंडेक्स पर भी हमारे पास में एलिमेंट्स है। अब मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया है तो मुझे पता है कि तीन तीन एलिमेंट्स है, लेकिन अगर यूजर से इनपुट लेके वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाने हो तो वो तो काउंट को डिफरेंट भी रख सकता है। तो उस केस में हमें कैसे पता पड़ेगा कि हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स है? तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे हर एक इंडेक्स, हर एक जो रो हमने क्रिएट करी है उसकी भी लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर वेर जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन क्यू ऑफ आई डॉट लेंथ। अब जब पहली बार हमारा लूप काम करेगा तो आई की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ पे आके जीरो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो क्यू ऑफ जीरो की कितनी लेंथ है, यानी कि ये जो एरे हमने क्रिएट किया है इसकी कितनी लेंथ है, वो यहाँ पे आके सब्सटीट्यूट हो जाएगी, यानी कि थ्री हमारे पास में आंसर आएगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू वन बन जाएगी, तो फर्स्ट रो का जितना भी लेंथ है वो यहाँ पे आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा। अब ये हमारे पास में बेस्ट ऑप्शन रहता है तब जब हम जब एरे को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो ऑटोमेटिकली काउंट होगा और डिस्प्ले हो जाएगा। तो हर प्रोग्राम में लेंथ को यूज करना बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट नंबर्स को यूज करना। कितनी भी लेंथ हो, अगर फ्यूचर में लेंथ मान लीजिए कोड में चेंज हो जाता है, लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो हमें लूप में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस एरे में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आते रहे। तो अब यहाँ पर मुझे हर एक इंडेक्स पे जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे प्रिंट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्यों मेरा एरे है, अगर मैं यहाँ पे क्यू ऑफ आई लिखूंगी तो क्या होगा, मेरा पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा, जो जीरो इंडेक्स पे वो नहीं चाहिए। हर रो के हर कॉलम पे जो डेटा है मुझे वो प्रिंट करवाना है। तो क्यू ऑफ आई जे, यानी कि क्यू के जीरो जीरो इंडेक्स पर जो डेटा है वो मैंने प्रिंट करवाया है, तो फोर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ही डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो होता क्या है, पूरी रो को हम टैब से सेपरेट करके डिस्प्ले करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्लैश के काम ही नहीं करता। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर HTML के सिंटेक्स को फॉलो करेंगे और नॉन वेटिंग स्पेस को प्रिंट करवाएंगे। अगर आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर चार बार स्पेस दे देते हो तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउजर मल्टीपल स्पेसेस को एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता। अब चार स्पेस को प्रिंट करवाना है तो ampersand NVSP semicolon ये हमें लिखना पड़ेगा। तो एक स्पेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए, फिर ampersand NVSP semicolon दूसरी स्पेस डिस्प्ले हो गई, फिर से NVSP तो थर्ड स्पेस डिस्प्ले हो गई, और फिर से NVSP तो फोर्थ स्पेस डिस्प्ले हो गई। तो एक एलिमेंट प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद चार स्पेस, फिर यहाँ पे जे का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जीरो रो के फर्स्ट कॉलम पे जो डेटा है वो प्रिंट होगा और फिर से चार स्पेस आ जाएगी। फिर से जे का इंक्रीमेंट होगा तो जीरो रो के सेकंड कॉलम पे जो डेटा है वो प्रिंट होगा और फिर से चार स्पेस आ जाएगी। अब यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट करेंगे तो थ्री तो लेस देन थ्री होता ही नहीं, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, लूप का एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रो जो आ रही है उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले करवाना, तो इनर लूप के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय बी आर। अब यहाँ पे आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट रो के लिए वर्किंग होगी, तो जितनी फर्स्ट की लेंथ है उससे एक कम हमारा लूप चलेगा, एक एक एलिमेंट डिस्प्ले होगा और चार स्पेस यहाँ पे प्रिंट होती रही। तो सिक्स डिस्प्ले हुआ, फिर स्पेस, फिर नाइन डिस्प्ले हुआ, फिर स्पेस, फिर एट डिस्प्ले हुआ और फिर से स्पेस। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम शिफ्ट कर जाएंगे एंड सेम प्रोसेस विल गो फॉर सेकेंड इंडेक्स एज वेल। तो अब इसका आउटपुट किस तरीके से आने वाला है एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैसेज आया है डेटा इन क्यूएस, और उसके बाद एक एक एलिमेंट को मैंने डिस्प्ले करवाया है स्पेसिफिक स्पेसेस से सेपरेट कर। तो यहाँ पर आप NVSP वाली चीज को काम में ले सकते हो, स्लैश डी यहाँ पे काम नहीं करता है। या फिर हमारे पास में इसका एक और सोल्यूशन भी है, आई एम श्योर आप सब लोगों ने HTML के अंदर प्री टैग पढ़ा होगा। तो या तो आप स्क्रिप्ट टैग से पहले प्री टैग को स्टार्ट कर दो, एक तरीका तो हमारे पास में ये है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्री टैग को स्टार्ट कर सकते हैं। प्री टैग क्या करता है, हमने अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितनी भी स्पेसेस प्रोवाइड की होती है, मैं NVSP की बात नहीं कर रही हूँ, डबल कोट्स में जो हमने स्पेसेस प्रोवाइड की होती है वो उन स्पेसेस को एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। तो देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे हटा दूँ और चार स्पेसेस मैं यहाँ पे अब दे रही हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, तो देखिए अब मेरे पास में स्पेसेस आ रही हैं, ऊपर वाले में यहाँ पे मेरे पास में इंडेंटेशन आ गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी वर्किंग ऐसी है,
है, तो अगर हम चाहें तो प्री टैग को काम में लेके भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उस केस में आपने जितनी भी स्पेसेस भी होंगी वो एज इट इज पे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा करते नहीं है, यहाँ पे हम एनबीएसपी को ही काम में लेंगे, तो फिर प्री टैग को काम में नहीं लेना। अब यहाँ पे मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, एक पिरामिड शेप आपको प्रिंट करवाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप जब वहाँ पे लूप चला के स्पेस को प्रिंट करवा रहे हो तो या तो आप एनबीएसपी को काम में ले लो, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट और टाइप करके डबल कोट्स में आप एक स्पेस दे रहे हैं उससे बेटर है आप वहाँ पे लिखो एम्परसेंड एनबीएसपी, तो नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे प्री टैग को काम में ले लो और फिर आपका स्पेस वाला लूप चलाओ जैसे हम सी में काम करते। तो ये हमारे पास में कुछ तरीके हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर हमें डेटा डिस्प्ले करवाना हो तो चाहे नेस्टेड लूप्स हो या मल्टी डायमेंशनल एरे, दोनों के केस में इस तरीके से वर्किंग हो। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। एक बार एरे के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके देखना, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन, और असाइनमेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम आती है देन लेट मी